छठ महापर्व लोक आस्था का इससे बड़ा कोई पर्व है नहीं, और छठ से बिहार की पहचान छठ महापर्व से है, ये हम लोगों को गर्व और फक्र है। छही बांस के बंगही लचकत जा, बहंगी लचकत जा। कद्दू बेटे के लिए नहीं, यही एक ऐसा पद है जिसमें पुत्री पुत्री, हाँ, पुत्री दोनों का ही समान महत्व है, इसलिए रुनकी झुनकी बेटी भी इसी में मांगा जाता है। पहले पहले हम छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पूर्ण नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोक आस्था का महापर्व छठ, ऐसे में आज से छठ का शुरुआत हो गया और नहाय खाय से इस पर्व का शुरुआत हो जाता है। और जिस तरह से बात करें कि तमाम जो छठ व्रती हैं वो गंगा किनारे स्नान करने पहुंचते हैं, ऐसे में आरजेडी के प्रवक्ता है जो मृत्युंजय तिवारी, वो भी पहुंचे हुए हैं, वे भी छठ करते हैं। आज आप भी पहुंचे गंगा किनारे, क्या कहिएगा? नहीं, आज लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हुई है नहाय खाय से। हम लोग गंगा के तट पर आए हैं, यहाँ दीघा घाट में स्नान करके इसके बाद फिर आज से व्रत की शुरुआत है। तो हम लोग पहले से ही कष्टी के रूप में करते थे, लेकिन इस बार हमारी पत्नी खुद छठ व्रत। आप भी कर रहे हैं छठ? हम भी करते हैं, कष्टी के रूप में करते हैं, हम सूप नहीं उठाते हैं, हम बाकी सारी चीजों को करते हैं जिसको कष्टी कहा जाता है। आज कद्दू भात का काफी महत्व होता है, ऐसे में आज जिस तरह से बात करें कि तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर स्नान करके घर पर जाते हैं, कद्दू भात बनाते हैं, तो क्या महत्व है इसका? आज आज से जो व्रत की शुरुआत हुई इस छठ महापर्व की, इसका महत्व देश दुनिया में सब लोग जानते हैं। और बिहार का ये छठ महापर्व लोक आस्था का इससे बड़ा कोई पर्व है नहीं, और छठ से बिहार की पहचान छठ महापर्व से है, ये हम लोगों को गर्व और फक्र है। तो छठ मैया पूरे बिहार वासियों पर कृपा करें और पूरे देशवासियों पर कृपा करें, यही कामना करते हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। उगते हुए अर्घ, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और उगते हुए अर्घ का सूर्य सबसे बड़ी खासियत है इस पर्व की। हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। इस छठ महापर्व का ये महत्व है, इसी के कारण इसकी खासियत है, देश दुनिया में लोग इसे जानते हैं। देखिए, जो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उनकी वाइफ भी है, इस बार पहली बार छठ कर रहे हैं, आज आप भी छठ इस बार कर रहे हैं? हाँ, इसके पहले कष्टी करते थे, इस बार सूप उठा रहे हैं। इस बार सूप उठा रहे हैं, क्या कहिएगा, अलग उत्साह हो जाता है जिस तरह से बिहार के ये जो महान पर्व छठ है, अलग उत्साह हो जाता है, कैसा लग रहा है ये पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है, ये उत्साह से भरा हुआ पर्व ही है, इसलिए ये उमंग आपको आपके किनारे भी दिख रहा है। ये अच्छा भाईचारे का पर्व है, सामाजिक सौहार्द का पर्व है, तो इसमें उत्साह तो उमंग 100% सबका बढ़ा रहता है। पहले आप कष्टी करते थे, इस बार सूप उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि पिछले साल सोचे होंगे कि अगले साल कैसे कब छठ आए और कब हम? हाँ, ये तो इंतजार सब खत्म होता है और अगले छठ का इंतजार शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि छठ हो और छठ का गीत ना हो, इससे छठ का अलग वाइब्स हो जाता है, छठ का जब गीत सुना जाता है तो श्याम भैया। लेकिन आप भी जिस तरह से छठ का अलग होता है गीत का महत्व, घर से जाके सबका शुरुआत होगा ही। कोई एक लाइन कुछ छठ का गुनगुना दीजिए कोई अच्छा सा। कांच ही बांस के बंगही लचकत जा, बहंगी लचकत जा। कद्दू भात से आज पर्व का शुरुआत होता है और अब यहाँ पर सजाइएगा, कद्दू भात घर में बनेगा, तो क्या कहिएगा अलग? देखिए, ये प्रकृति के साथ साथ बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ आज कद्दू भात का नियम होता है, क्योंकि ये दोनों ही बार जब छठ होता है तो एक मौसम जब बदलता है वो एक संधि पर होता है, और कद्दू में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि व्रतियों को साहस मिलता रहता है, उत्साह रहता है, आरोग्यता के लिए है, इसलिए इस पर्व का खान पान से भी जुड़ा हुआ महत्व है। ये पर्व काफी कहा जाता है कि औलाद के लिए किया जाता है, बेटे के लिए, बच्चे के लिए किया जाता है, और ये छठी मैया के जो सूर्य भगवान का पुत्री है उनकी पूजा होती है। सिर्फ बेटे के लिए नहीं, यही एक ऐसा पद है जिसमें पुत्री पुत्री, हाँ, पुत्री दोनों का ही समान महत्व है, इसलिए रुनकी झुनकी बेटी भी इसी में मांगा जाता है। क्या कहिएगा, आज कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से।
कलकत्ता से आए हैं बिहार छठ करने। हाँ, बिहार का छठ का अलग ही आनंद है। बिहार का छठ का अलग है। साल भर इंतजार करते हैं हम लोग, साल भर इंतजार करते हैं कि अगला छठ कब आए, कब आए। कार्तिक माह में और चैत में होता है ये छठ। दो तो मैं यही वाला करती हूं। आप यही करते हैं। कब पूरा उल्लास बैठ रहता है कि अगला छठ कब आए? पूरा पूरा इंतजार रहता है, बहुत उत्साह रहता है। पहली बार कर रहे हैं छठ या उससे पहले भी कर रहे हैं? 35 साल से कर रहे हैं। और इस बार बिहार आए हैं? नहीं, बिहार तो कई बार आ गए, कई बार आए। 7 साल से भाई के पास आके। हाँ। 7 साल से पहले बिहार भाई के पास आकर। हाँ। जिस तरह से कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को जो अर्घ बिहार में पड़ता है वो अलग वाइब्स होती है, तो क्या कहिएगा इसको लेकर? एक अंदर से अलग ही जागृत होता है सब, पावर तो है कुछ, पावर कुछ है। हाँ, एनर्जी अलग हो जाता है, एकदम एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं हम लोग। बिना खाए ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, 40 घंटा बिना पानी बिना खाए हुए कुछ भी, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसे एक दिन पानी छोड़ देते हैं तो लगता है कि मन में, लेकिन छठ का अलग अलग है, पता ही नहीं लगता है कि कुछ खाए पिए नहीं है, खाए पिए। एक छठ का अलग सॉन्ग का जो गीत होता है वो काफी अलग मन में उत्साह हो जाती है छठ के, जब गाना बजते हैं तो। एक आप अपने मुंह से मेरे कुछ गाना नहीं, आप भी गाइए साथ। दीदी गाइए। पहले पहले हम करीली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी है चमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। लोक आस्था का जो महापर्व छठ है, ऐसे में तमाम जो छठ व्रती हैं वो गंगा स्नान करने गंगा किनारे पहुंचे हैं और आज से इस पर्व का शुरुआत हो गया। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ 24 के साथ, नमस्कार।